जब भी वो झाड़ू से तुम्हारी बाई वो सारा कचरा कचरे के डब्बे में डालती है, मेरा मन करता है काश उस डब्बे के अंदर शहनाज होती। मैं कचरा हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो अस्सलाम वालेकुम छोटे को हाय बड़े को बिस्मिल्लाह बहन में वेलकम दोस्तों करते हैं खुश आमदीद। मैं हूं शुभाष मेरा, आप देख रहे हैं व्यूज रिव्यूज। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसा लग रहा है मेरा स्टूडियो? आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैंने सारी सेटिंग कल की है एंड उसके बाद मुझे एक ऐसा कमेंट मिला जो मेरे दिल को लगा कि कमेंट क्या था, आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन मेकिंग वीडियोज़। इस तरह से कुछ था कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं नज़र आते वीडियोज़ अपलोड करने में, बट ऐसी बात नहीं है। आई वॉज एक्चुअली बिजी इन दिस यू नो स्टूडियो और मैं सेटिंग करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी जितनी भी फ्रेम्स हैं सारी एक फ्रेम में आ जाए। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं क्रैंकी शेप पर, वहाँ पर मैं प्रॉपर एक एक चीज़ डिटेल के साथ शेयर करता रहता हूँ, तो जाइए क्रैंकी शेप पर। एंड वो लोग जो लोग संभावना मैम के यू नो बहुत बड़े फैन हैं वो भी जाइए क्रैंकी शेप पर, बिकॉज वहाँ पर भी अब आपको मिलेगा संभावना मैम की वो वीडियो जो आप देखना चाहते हैं उस पर रिएक्शन। यस, बिकॉज संभावना मैम की वीडियोस की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि मैंने प्लान किया कि मैं उन सारी वीडियोस को जितनी भी मैम की वीडियोस पर रिएक्शन दूंगा वो मैं क्रैंकी शेप पर ही दिया करूंगा। एंड यहाँ पर जितने भी लाइक डिफरेंट मिक्स कंटेंट पे मैं यहाँ पर वीडियोस दिया करूंगा व्यूज पर। तो जो लोग संभावना मैम के यू नो बहुत बड़े फैन हैं वहाँ पर आ जाएं, वहाँ पर सिर्फ हम वीडियो ही नहीं करेंगे, वीडियो पर रिएक्शन ही नहीं देंगे, कुछ यू नो गेम प्ले करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने बड़े फैन हैं मैम के, तो वहाँ पर आकर आपको आइडिया होगा कि मैं वहाँ क्या करने वाला हूँ या किस तरह से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सो अभी चलिए, अभी मैं देखने जा रहा हूँ शहनाज गिल का शाहिद कपूर वाला एपिसोड का पार्ट टू। लेट्स गो एंड इन्जॉय कि आगे क्या बातें हुई, किस तरह से उनका पूरा जो इंटरव्यू है कम्प्लीट हुआ। एंड फर्जी का मैंने ट्रेलर देखा, बहुत मजा आया देखकर, सच में बहुत अच्छा था। सो चलिए जी एंजॉय करते हैं। शबाज को पानी एक क्लिप में थोड़ा सा देखा, सिर्फ आइडिया हो गया कि शबाज बुला रही है बोले इतना बड़ा मैं ये मेरा भाई है। अच्छा, ये अपनी गर्लफ्रेंड को बोल के है कि मैं शाहिद कपूर के साथ शूट कर रहा हूं आज। कौन सा ब्रदर है? बट उसको ये नहीं बता क्या है कि मैं पानी पकड़ाऊंगा बीच में। मैं फुकरिया मारता है ना वो, पता मैं शाहिद कपूर के साथ शूट करने जा रहा हूँ, उसको लग रहा है सच्ची कहीं शूट। तो इसको बिठा देते शो के अंदर, क्या प्रॉब्लम है भाई? है तुम्हारा शिवा गल कर, कोई गल कर यार। चल आप कहाँ से? मैं ब्याह। आप ब्याह? ब्याह से हो? और बताओ। आपकी कबीर सिंह देखी है? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। इसको बोलना डायलॉग तो सुना दे। हाँ, कोई डायलॉग सुना। ओए अंकल जी, वाडा दिमाग तोड़ी गिट्टियां क्या अच्छे क्या? हाँ, कुड़ी कहती है वो मैंने प्यार कर दी है, मैं कोई रोड साइड रूमिया नहीं है ना। ऑक्सीजन टफ लग रहा है समझ में आता था कि कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है जब दिल टूटता है।
स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान होते हो और आपकी फीलिंग लोग नहीं समझते तो आप उसको गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हो. वो फीलिंग बुरी नहीं होती है बट आप बहुत गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हो. और मुझे वो चीज बहुत फैसिनेटिंग लगी एज एन एक्टर, यार ऐसा कैरेक्टर प्ले करना जो इतना बदतमीज है, इतना उबड़ खाबड़ है, लेकिन लोगों को उसके दिल की फीलिंग समझ में आए और लोग उसके साथ यू नो थोड़ा सिंपथाइज करें, तो वो चैलेंजिंग होता है. क्योंकि एक अगर लवेबल कैरेक्टर है तो उसको पसंद करवाना ऑडियंस से आसान है, लेकिन अगर ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल जिसके अंदर क्वालिटीज नहीं है कि उसको आप पसंद करो और फिर भी आप ऑडियंस को उससे कनेक्ट कराओ, वो एज एन एक्टर ज्यादा चैलेंजिंग होता है. तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि यार इसको लोग पसंद कर पाएंगे, इसको लोग माफ कर पाएंगे, इसकी माइंड सेट लोग समझ पाएंगे, यू नो. तो वो इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट, तो मुझे अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एज एन एक्टर आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो. ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे आप अपना यू नो मूड बना सको, जैसे आप बोल रहे हो अपना एक इमोशन ड्रॉ कर सको. अगर जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है तो आई थिंक एज एन एक्टर थोड़ा कमी महसूस होती है, मुझे ऐसा. राइट. और कभी कभी मैं ऐसे अपना मूड खराब कर लेता हूँ अगर मुझे कोई बहुत इंटेंस सीन करना हो. ये मेरे साथ जो मेरी टीम बड़े सालों से ना, कभी कभी उनको समझ में आती है बात. क्या? तो मैं ऐसे ही कुछ ऐसा कुछ कर देता हूँ और वो मेरे साथ एक है मेरे टीम में जेम्स, आई थिंक 12-13 साल से मेरा मेकअप कर, तो उसको पता है कि किस दिन मैं किस मूड में रहने वाला हूँ, क्योंकि किस दिन कैसा सीन होने वाला है, ही अंडरस्टैंड्स दैट, यू नो. तो मैं भी ऐसे करता हूँ. मैं सीन में जाने के लिए कभी कभी डिसरप्टिव हेड स्पेस में चला जाता हूँ. अगर सब है ऐसा है तो नहीं होता, यू नो, यू नीड द मूड ऑफ द सीन टू बी देयर, राइट? सो यू कांट डू इट. राइट, राइट. तो जैसे आप करेक्टर है, आप फर्जी में भी जैसे आप करेक्टर कर ही रहे हो, जैसे अभी इसमें अभी बाहर जाना है आपको इस करेक्टर से, फॉर एग्जाम्पल से बाहर, हाँ करेक्टर से अभी ये हो गया, तो अभी इसको बाहर जाने के लिए आप क्या करते हो कि इस कैरेक्टर से अभी मैं बाहर जाऊं? मेरे ना पैकअप सुनते ही यहाँ ऐसा डिस्कनेक्ट हो जाता है. ओके, तो मतलब आपका एकदम से ही हो जाता. मैं डिस्कनेक्ट. अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ. 2,000 के नोटों पे आप सोते हो, ठीक है? आप कहते हो कि पैसों से कुछ भी मतलब खरीदा जा सकता है, ठीक है? तो अगर मैं आपको कहूं कि मुझे क्या आपकी वाइफ से शाहिद कपूर खरीदना है, तो मैं खरीद सकती हूँ? अगर आपको लगता है कि मैं बिकाऊ हूँ तो आप पूछ सकती हैं. तो आपने खुद बोला ना. क्या फर्जी में ये डायलॉग क्यों बोला? तो सनी बोल रहा है, तुम सनी को रख लो. हाँ तो सनी तो मेरे पास बैठा है, मैं फर्जी की तो प्रमोशन कर. मैंने क्या बोला था, जैसी फिल्म खत्म होती है मैं कैरेक्टर से. लेकिन ये इंटरव्यू ऐसी है ना, आप शनाज गिल के पास बैठो, लॉक करके ना जिंदा मार के चाबी फेंक दूंगी. पहले ऑफर तो करो. क्या? गिव अस एन ऑफर, वी कांट रिव्यू. ए लो कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, साइन करिए शादी के पेपर. बट आप बहुत ही फर्जी हो. हाँ वो मैं हूँ. फर्जी निकले जी. फर्जी का मतलब पता है आपको? जी. क्या? फेक, नकली. यार अमेज़न वालों ने गलती की. क्यों? आप फेक तो नहीं हो यार. मैं पूरा फेक हूँ, मेरे अंदर कोई रियल चीज है ही नहीं. मतलब वाइफ से पूछने की जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि आप फेक हो. आप उधर भी झूठ बोलते होंगे ना? नहीं यार, ये तो बसाएगी यार, ऐसे मत बोल यार. मैं सिर्फ शो के प्रमोशंस में फेक हूँ. अच्छा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि गाइस पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, किसी को कुछ नहीं पता. बट मुझे बड़ा मजा आ रहा है. अभी मैं आपके साथ ना एक गेम खेलूंगी. अभी तक क्या कर रही थी? मुझे लगा तुम जैसे गेम ही खेल रही. फर्जी की के ऑपोजिट आपकी हीरोइन कौन है? फर्जी में एक्चुअली मेरी कोई हीरोइन नहीं है. फर्जी में एक हीरोइन है राशि खन्ना, लेकिन वो मेरी हीरोइन नहीं है, वो शो की हीरोइन है. यार कितना आपको पता है कि आपकी वाइफ ये शो देखेगी? आप कितना सेफ देख चुकी है ये शो. मैं अपनी वाइफ से कुछ नहीं छुपाता, उसको सब दिखा देता हूँ. मैं पहले ही प्रिपेयर्ड हूँ. आपने उसमें किस क्यों की फिर? किस में? उसमें कार में किस कर रहे हो? तुम्हें बड़ा तो प्रोमो में एक ही चीज नजर आई है तुम्हें शनाज. मतलब मुझे भी याद नहीं था कि प्रोमो के अंदर ऐसा कुछ शॉट डाला है. इसको वही याद है. आपको नहीं याद? आपने तो फील किया होगा. फील नहीं करता मैं, सीधा विदाउट फीलिंग करना पड़ता है. परफॉर्म विदाउट फीलिंग. यू डोंट अंडरस्टैंड दिस. आई अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टैंड दिस बट यू एक्सेप्ट इट? नो, मैं तो जिसके साथ काम करूंगी मैं अपना हस्बैंड समझ के करूंगी. आइए बस ये. हाँ अच्छा है, आज तुमने पूरी दुनिया को ये बात बता दी
कि अगर कोई तुम्हारे साथ काम करेगा तो वो तुम्हारा हस्बैंड बन जाएगा। हस्बैंड बनेगा नहीं, हस्बैंड समझ के करूंगी और टाइम में स्विच ऑफ हो जाऊंगा। हस्बैंड समझ के करूंगी तो पूरी टाइम चलाती रहूंगी उसके ऊपर। हस्बैंड मत समझो, इतना गंदा रिलेशनशिप होता है लोगों का। नहीं मतलब सच तो सच होता है। सही है, चलो यार खेल लेते हैं, अभी हो गया। छेती छेती दसना एक्टिंग और मेडिटेशन? आर यू सीरियस? आई एम सीरियस। बहुत ही डिफरेंस है। एक्टिंग तो कर ली ना इतने साल, तो अभी मेडिटेशन कर लेते हैं। यू वांट पीस? आई वांट पीस एंड क्वाइट एंड साइलेंस। इज इट पॉसिबल अराउंड शहनाज़ के? नो वे, आई नो दिस, आई एम सॉरी। एग्जैक्टली, किप बाय। जिम और डांस? डांस। डांसिंग के बिना कैसे जिएंगे यार? जिम के बिना तो चलो कुछ कर लेंगे यार, मतलब डांसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो कह रहा है एक इंटरव्यू पूरा डांस करते रहे करते यार, मुझे सीखा। अच्छा आइडिया। हां अच्छा, पंजाबी सॉन्ग्स और हिंदी सॉन्ग्स? पंजाबी सॉन्ग्स। थैंक यू, दिस इज ऑनेस्ट आंसर। ओ यू लाइक पंजाबी? आई लव। डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस। डिफरेंस डोंट वेट वाला देता है ना बॉक्स। कबीर सिंह और उड़ता पंजाब? टफ कंपटीशन, वेरी टफ कंपटीशन, बट कबीर सिंह। सही बात है। मैं भी, अगर आप उड़ता पंजाब कहते तो मैं आपसे ना गुस्सा हो जाऊं। क्यों? क्योंकि कबीर सिंह, बट वो इतना बदतमीज लड़का है। व्हाई डू यू लाइक बदतमीज बॉय? आई लाइक। व्हाई? बिकॉज़ आप थे ना उसमें, तो क्या फर्क पड़ गया? मेरी फैन तो तुम हो नहीं। अरे यार मैं अगर आपको भी बोल दूंगी ना आपकी फैन हूँ, लोग कहेंगे हैं इस पे तो भरोसा ही उठ गया, सबको बोल देती हूँ आपकी फैन। मतलब ये तो पहले भी कर चुकी हो, मतलब पहले तुम दूसरे लोगों को बोल चुकी हो तुम उनकी फैन हो, लेकिन मुझे नहीं बोल रही हो। मैं सच बोलूँ, मैं राजकुमार की बहुत बड़ी फैन। बहुत अच्छी बात है। बट मैं अगर आपको, ग्रेट राजकुमार, प्लीज कम ऑन आवर शो। ही वाज माय फर्स्ट गेस्ट। हेलो, ही वाज? यस, ही इज अ ग्रेट एक्टर। गॉसिप और बुक्स? बुक्स के बोल रही हूँ मैं, मेरी भाषा क्यों अटक रही है? बुक्स, बुक्स। चलो एक गेम और खेलते हैं। जल्दी से खेल लो। ये क्या है, व्हाट इज अ गेम? मैंने खोल लिया, लेकिन तूने मुझे गेम बताया नहीं, खेल कह रहे हैं। तूने चिट भी उठा ली है। हां अभी तक गेम खेल क्या रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? ये चांस ही नहीं है कि तू डालेगी, पर तू बोल से सम स्क्रू ड्राइवर रोमांटिक लाइन। आप मुझे हाँ कर दोगे ना मूवी के लिए उस दिन? मूवी के लिए ये प्यार ही नहीं है, ये मतलब है, प्यार है। खत्म हो गया, गेम ओवर, यू लॉस्ट। लेकिन ये सच्चा प्यार, सच्चा प्यार है। क्योंकि मैं, मुझे पता है मैं फंस चुकी हूँ, मेरा जो स्क्रू है, स्क्रू वो ढीला हो चुका है, बस और इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकती। अरे ले लो, ले लो। कबूतर क्या करना है कबूतर के साथ? कुछ रोमांटिक। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर आ आ आ। ये लास्ट रह गया। क्यूट बहुत मजा आया। और आप प्लीज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो फर्जी देखने में, बहुत
बहुत मजा आएगा आपको सनी को देख के, क्योंकि वो 2000 के 2000 के नोट पे जब सोता है ना, आहा क्या फीलिंग आती है। Oh my God, this is amazing, guys. Seriously. So, जो first part मैंने देखा था वो इतना funny नहीं था, उसमें इतना कुछ fun नहीं किया गया था, but वो discussion तो हो रही थी, obviously बात है, एक interview था. But second part में मुझे सच में बहुत मजा आया and मैंने बहुत enjoy किया. शाहिद की acting, शाहिद की you know dialogue delivery और शहनाज गिल का style, वो तो हमेशा से you know अच्छा ही है, attract करता ही है हमें. सो गाइस ऐसे ही देखते रहा करें, आई गेस अब तक इतना काफ़ी है. सो प्यार देते रहा करें, डोंट फॉरगेट टू प्यार देते रहा करें, डोंट गेट क्या हो रहा है मैं फंबल क्यों कर रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सभावनंद मैन के जितने भी फैंस हैं सारे आ जाएं ट्रेंड की शेप पर. अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़.